तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप UPI से दोस्तों अगर आप कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं, दोस्तों अगर आपका पेमेंट फंस जा रहा है, दोस्तों आपका जो पेमेंट है किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है, दोस्तों इस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपके साथ इस तरीके से प्रॉब्लम हो जा रहा है तो दोस्तों आप UPI कंप्लेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर तुरंत दोस्तों आप UPI कंप्लेंट करते हैं तो दोस्तों आपको जो अमाउंट है गलत अकाउंट में चला गया, गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, आपका जो अमाउंट है गलत अकाउंट चला गया, तो दोस्तों आपको जो पैसा है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि दोस्तों आप NPCI के थ्रू दोस्तों आप UPI कंप्लेंट कैसे करेंगे, दोस्तों UPI कंप्लेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको यहां पे A to Z प्रोसेस यहां पे लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको UPI कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से आपको ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे अपने मोबाइल फोन को आप इस तरीके से ओपन कर देंगे तो अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको UPI कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपने गूगल क्रोम को आपको इस तरीके से ओपन करना है। दोस्तों जैसे अपने गूगल क्रोम को आप इस तरीके से ओपन कर देंगे तो अब आपको सर्च बार पे क्लिक करना, अब आपको यहां पे टाइप करना पड़ेगा दोस्तों NPCI। दोस्तों जैसे आप ऐसे NPCI लेकर के आप टाइप कर देंगे तो आपको यहां पे सर्च करना है। सर इस तरीके से जब सर्च कर देंगे तो यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन शो हो जाएगा यहां पे गेट इनटू टच का। तो दोस्तों आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको गेट इनटू टच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप ऐसे गेट इनटू टच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे दोस्तों इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जूम करना है। दोस्तों जैसे आप ऐसे जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लेंट्स का ऑप्शन होगा, कंप्लेंट्स में दोस्तों आपको यहाँ पे UPI कंप्लेंट्स और यहाँ पे अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट को ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको UPI कंप्लेंट करना है क्योंकि दोस्तों आपको जो पैसा है फंस गया है, आपका जो पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, तो आपको UPI कंप्लेंट को आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको UPI कंप्लेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप ऐसे UPI कंप्लेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे कंप्लेंट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या प्रॉब्लम है, जैसे दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शंस है, UPI पिन है और अकाउंट्स है, रजिस्ट्रेशन है, SMS है, लॉगिन है, अदर्स है। तो आपको ट्रांजैक्शन मतलब दोस्तों आपको जो पैसा है ट्रांजैक्शंस की है तो आपको ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करना है। ट्रांजैक्शंस पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पर्सन टू पर्सन और यहाँ पे पर्सन टू मर्चेंट। मतलब दोस्तों अगर आपका खुद का है तो आपको पर्सन टू पर्सन पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको क्लिक करना। नीचे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपका जो पेमेंट है मतलब किस तरीके से ट्रांसफर किया गया है, मतलब दोस्तों आपको अपना रीजन चूज करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका पेंडिंग जो आपका ट्रांजैक्शंस किए हैं आपका, अगर आप पेंडिंग है तो आपको पेंडिंग पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपको जो पैसा है किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अपना यहां पे चूज करना पड़ेगा। इस तरीके से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में आपको कमेंट टाइप करना पड़ेगा कि दोस्तों मेरा जो पैसा है किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, तो आपको कमेंट आपको टाइप करना है। कमेंट जैसे टाइप कर देंगे तो यहां पे दोस्तों आपको ट्रांजैक्शंस आईडी आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों आप जो ट्रांजैक्शंस के अपने ट्रांजैक्शंस आईडी को आपको पे नोट करना पड़ेगा, अपने ट्रांजैक्शंस आईडी को आपको यहां पे टाइप करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे अपने ट्रांजैक्शंस आईडी को आप यहां पे टाइप कर देंगे तो यहां पे दोस्तों सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करना पड़ेगा कि दोस्तों आपके किस बैंक से ये प्रॉब्लम आया है, आपके किस बैंक से पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, अपने बैंक का जो नाम है इस तरीके से आपको टाइप करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको अपने बैंक का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा। फिर से दोस्तों आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे दोस्तों UPI आईडी का ऑप्शन लेगा। दोस्तों आप किस UPI आईडी में पैसा आप भेजें, अपने UPI आईडी को आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे अपने UPI आईडी को आप यहाँ पे इंटर कर देंगे तो आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में अमाउंट आपको डालना पड़ेगा कि दोस्तों आप कितने रुपये आप ट्रांसफर किए, आपका कितना रुपये यहाँ पे बजा हुआ है, तो अपना अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना। अमाउंट जैसे आप डाल देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से नीचे आना, नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा यहाँ पे डेट एंड ट्रांजेक्शन का, मतलब दोस्तों आप किस डेट पर ट्रांजेक्शन को किए हैं अपने डेट को आपको डालना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अगर आप 21 तारीख को किए हैं तो आपको 21 तारीख डेट आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना एक ईमेल आईडी आपको डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद में अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना है, मतलब दोस्तों आपके फोन पे या दोस्तों UPI से जिस UPI से पेमेंट किए हैं, जिस UPI ऐप से पेमेंट किए हैं, उस UPI ऐप से आपका जो नंबर लिंक था, जो नंबर यूज कर रहे थे, उस नंबर को आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसका एक आपको स्क्रीन शॉट क्लिक करना है। उसको उसके बाद दोस्तों आपको चूज फाइल पर क्लिक करके दोस्तों आपको अपने फाइल को अटैच करना, अटैच करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपका जो यहां पे UPI कंप्लेंट है इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। दोस्तों जैसे इस तरीके से अपनी UPI कंप्लेंट को आप सबमिट कर देते हैं तो दोस्तों आपका जो पैसा है विद इन 24 आवर्स के अंदर दोस्तों आपको जो पैसा है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप NPCI UPI कंप्लेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।